आज है 15th अक्टूबर 2021, डे है फ्राइडे। वैसे शायद आज दशहरा भी है, हमें तो कैलेंडर का कोई अंदाजा नहीं चल रहा था दुनिया में क्या चल रहा है इस वक्त, हमारी बस ट्रिप चली जा रही है। और कल तक जितना एडवेंचर हुआ उस सब के बाद आज हमारा एक एम है कि नाको से चंडीगढ़ तक पहुंचना, और अगर हम चंडीगढ़ पहुंच गए तो रात को फिर हम दिल्ली तक भी पहुंच जाएंगे। तो अपने आप में ये अच्छा रिकॉर्ड हो जाएगा कि अगर हम आज नाको से दिल्ली कर सकते हैं तो आज हमारी ये कोशिश है कि नाको से दिल्ली करने की, वरना चंडीगढ़ स्टे कर सकते हैं। तो लेट्स सी आज हम कितना जा सकते हैं। तो जल्दी से अपना सामान पैक कर रहे हैं और ये सारा रेडी कर चुके हैं हम, काफ़ी हमने सामान खोला ही नहीं था। तो अभी चलते हैं, हमारी बाइक्स वहाँ पार्कड हैं बाहर नीचे, वहाँ पर आपको दिख रही होगी। तो बाइक पर पहुँचते हैं और जल्दी अपनी ट्रिप स्टार्ट करते हैं आज की। बहुत टाइम हो चुका है, सब लोग काफ़ी थक चुके हैं इस ट्रिप पर, अनवांटेड बहुत सारा एडवेंचर हो चुका है, पर हाँ लाइफ टाइम हम ये ट्रिप और ये थ्रिल याद रहने वाला है। तो लेट्स गो एंड जल्दी मिलते हैं हम बाइक पर। दोस्तों रात को तो अंधेरा था, लाइट पूरी रात पावर कट रहा है पूरे गांव में, और ये है कुछ रूम, काफ़ी कोजी सा है। और रात हमें ऐसी नींद आई कि हम सुबह सीधा 6 बजे उठे हैं, और ये सबसे पहला पड़ता है अगर आप देखो, सबसे पहला होम स्टे यही है। और यहाँ से सामने का नज़ारा पूरा गांव दिखता है, और ये जो सामने खेत में पानी है बिल्कुल लेक जैसा ही लग रहा है, नाको लेक की तरह, और वो सामने हेलीपैड है। तो सकते हो बाहर से कुछ ऐसा नज़ारा है इस गेस्ट हाउस का। अभी ये रेडी हो रहा है और रेडी होने के बाद सोचो कितना अच्छा लगेगा। ये इनका डाइनिंग हॉल था जो रात को मैंने दिखाया था, ये पूरा ये वाला डाइनिंग हॉल है। और यहाँ हमारी बाइक्स पार्क थी, ये पार्किंग भी थोड़ी सी बनवा रहे हैं यहाँ पर। और एक बार बाहर से भी आप व्यू देख लीजिए, ये सारे सेब के खेत हैं, बागान, सेब भी लगे हुए हैं बहुत सारे। बाइक पर आ चुके हैं और यहाँ से निकल चुके हैं नाको से। ये देखो इस रास्ते पर कल रात हमें आना पड़ा था, तो इसीलिए हमारी आगे जाने की हिम्मत ही नहीं हुई, बहुत बुरी तरह हालत है यहाँ के रास्ते की, और इस रास्ते पर रात को नहीं चल पा सकते थे हम ज़्यादा, तो इसीलिए हमने वहाँ स्टे ले लिया था। स्टे आप देख सकते हो वहाँ साइड में ही दिख रहा है, वो सबसे पहला वाला जो ग्रे कलर का है। और ये है सोमांग ढाबा, जहाँ पिछली बार जब हम आए थे तो हमने यहाँ ब्रेक लिया था। आप देख सकते हो अभी क्या हालत है यहाँ, दिन में भी गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा है, पूरे ग्रेवल्स हैं, रोड़ी रोड़ी। थोड़ा सा आगे से यहाँ रोड आ गया है, तो अब हम गाड़ी को स्ट्रेच देंगे और देखते हैं आज की जर्नी, कोशिश है पूरी दिल्ली तक जाने की। देखो फिर से आ गया, पर वैसे यहाँ से आगे का रोड सारा अच्छा ही है, बहुत छोटे छोटे पैचेस मिलने वाले हैं, तो कोशिश है अपनी पूरी। हाँ नाको से खाप ब्रिज या कल्पा रामपुर, आप ये देख सकते हो कि ये रोड बहुत अच्छा बन चुका है और काफ़ी वर्क किया है इस पर बीआरओ ने, तो बीआरओ का इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी अगर आप इस साइड से आते हैं तो आपको बहुत कंफर्टेबल राइड मिलने वाली है, सेफ राइड भी मिल जाएगी। आप देख सकते हो आराम से बाइक 80 की स्पीड पे जा रही है। कितना अच्छा वर्क किया है यहाँ पर पूरा, और आप ये देख सकते हो अच्छे से पूरे रोड इस रास्ते पर बने हुए हैं। हमने अभी करीब करीब 20 मिनट्स के अंदर हमने 20 किलोमीटर्स कवर कर लिया है।
मेरा सजेशन आप लोगों को यही है कि अगर आप काजा या चंद्रताल आना चाहते हैं तो वाया शिमला रूट आइए। हाईवे बहुत अच्छा बन चुका है, बहुत बढ़िया। और अगर आप ज़िंदगी का सबसे भयंकर एडवेंचर चाहते हैं तो मनाली बाटाल वाले रोड से आना। बस और यहाँ ये बस ड्राइवर के साथ हमारी रोलर कोस्टर राइड भी चल रही है। आप यहाँ देख सकते हो ये ना तो जगह दे रहा है और बगल में बिल्कुल। फाइनली इसने जगह दे दी। और यहाँ लीनिंग्स देख रहे हो, तीनों होंडा राइडर्स एक लाइन में पीछे से तीनों की एक्स शेप्ड टेल, इसीलिए वी आर कॉल्ड एक्स राइडर्स। ऐसा लग रहा है हम किसी रेस ट्रैक पर हैं, तीनों एक इक्वल डिस्टेंस पर चल रहे हैं, मतलब थोड़ा अप एंड डाउन हो रहा है। बट आप टायर्स अगर फोकस कर सकते हैं, इसमें पूरा एजिस तक टायर को लीन कर करके ब्लैक आउट कर दिया है। आपको साइड वाइट नहीं दिख रही होगी इस टाइम, पूरा टायर यूज़ कर रहे हैं लीनिंग्स के टाइम। और नवजोत पाजी का तो देखो तरीका, ये देखो ये थोड़ा सा अपहिल था, बाकी लीनिंग्स देख लो आप। और यहाँ से अब अपहिल शुरू हो चुका है, नारकंडा आने वाला है। और जैसा प्लान किया था हम अपने हिसाब, हम बहुत ही सही चल रहे हैं। अभी यहाँ बोर्ड आया कि नारकंडा 13 किलोमीटर्स है, बट यहाँ से सामने के बर्फ़ से ढकी, बर्फ़ की चादर से ढकी माउंटेन्स दिखने लगी हैं। और चलिए फिर करते हैं अपना स्पीड अप।
मेरे राइट साइड पे अभी बिल्कुल माउंटेन्स जो हैं वो बर्फ़ से ढकी हुई हैं नाकंडा में। वैसे आज हम कुछ रिकॉर्ड मेकिंग करने वाले हैं, नाको से दिल्ली पूरा कवर करने की कोशिश है। ये लॉन्गेस्ट हमारी सिंगल डे जर्नी होगी स्पीति की, और ऑलरेडी हम 250 किलोमीटर प्लस राइड कर चुके हैं अभी तक। आज मॉर्निंग में हमने 1313 किलोमीटर से स्टार्ट किया था नाको से, और अभी 1559 हो चुका है 3 बजे तक। सुबह 7:40 पर राइड स्टार्ट की थी पहाड़ों में 250 किलोमीटर। लेट्स सी आज हमारी दिल्ली तक जर्नी कितनी देर में ख़त्म होती है। बाकी अभी रास्तों को तो देख ही सकते हो। फाइनली हम लोग नारकंडा पहुंच चुके हैं, और अब देखते हैं हम कहां रुकने वाले हैं ब्रेकफास्ट के लिए, लंच के लिए, सॉरी नॉट ब्रेकफास्ट, इट्स लंच टाइम। और यहाँ है नेगी ढाबा, हम नेगी पर रुकेंगे, हमने सोचा है नेगी पर रुकेंगे। पिछली बार भी हम जब आए थे तब नेगी पर रुके थे। राइट साइड ये तो रहा बंद क्यों है? ओ नेगी ढाबा आज बंद है, तो अब हम दूसरे पर जाएंगे। भाई साहब फोटो लेने वाले हैं, इलेक्शन वगैरह तो नहीं है कुछ? तो यार नारकंडा में हमारा इरादा था नेगी ढाबे पर खाने का, पर आज पूरा नारकंडा आप देख सकते हो पूरा बंद है, दशमी का दिन है। और यहाँ हमें जो सरप्राइजिंग चीज़ मिली है वो है यहाँ मंदिर, और पूरा नारकंडा की कम्युनिटी की तरफ से यहाँ का ढाबा, ये भंडारा हो रहा है दशमी का। तो पाजी अभी खा रहे हैं, हम लोग खा चुके हैं, बहुत ही स्वादिष्ट है। कड़ी थी, छोले, दाल, और ये देखो इन्होंने कूड़े के मैनेजमेंट के लिए भी कितना अच्छा काम किया है, सारा कूड़ा यहाँ इकट्ठा किया जा रहा है सब। तो यहाँ अभी लोग सब लोग खा रहे हैं। मैं यही सजेस्ट करूँगा, कोशिश करना ज़िंदगी में एक बार नारकंडा का दशहरा या दशमी के दिन यहाँ विजिट ज़रूर करना। तो दोस्तों एक बड़ी मज़ेदार चीज़ आपको देखने को मिलेगी वाइल रिटर्निंग टू दिल्ली। आज हम ऑलरेडी 400 किलोमीटर बाइक चला चुके हैं, पर यहाँ सबसे मज़ेदार चीज़ है ये नई टनल परवानू से चंडीगढ़ के लिए। आप देखो, आपने अटल टनल तो देखी होगी, फर्स्ट सी बी 200X टू गो वाया टनल। ये मेरा डार्लिंग, शॉर्टकट। सो ये है एक शॉर्टकट, गेस दिस टनल ने, मुझे भी नहीं पता अभी, हम बस घुस गए हैं क्योंकि हमारे रूट पर आया है, और ये टनल अभी नई बनी है। और दोस्तों देखो, जिन लोगों ने क्वेश्चन पूछे थे ना कि ये मैं क्यों जलाकर चलता हूँ, फ्लैशर, हैजार्ड फ्लैशर, देखो नाइट ड्राइविंग में बाइक की विजिबिलिटी बहुत कम होती है, और दूर से जैसे हम लोग ग्रुप में चल रहे हैं तो थोड़ा सा अच्छी विजिबिलिटी के लिए हाईवे हैजर्ड में भी यूज़ किए जाते हैं इसको, पार्किंग में भी यूज़ किया जाता है और हाईवे हैजर्ड में भी यूज़ किया जाता है। तो हम इसको विजिबिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और इसीलिए हम इसे यूज़ करते हैं और अभी कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि अब सामने जो बाइक है वो थोड़ा सा अटेंशन मांग रही है कि सामने कुछ राइडर्स जा रहे हैं, इसीलिए हम भी इसे यूज़ करते हैं। बाकी सुबह से हमारे शेट 13 था, हाँ। तो सुबह से अभी तक हम ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर कवर करने वाले हैं, और उसके बाद हम चंडीगढ़ पहुंचकर दिल्ली के लिए निकल जाएंगे। तो हमारा आज ये राइड अप्रॉक्स 700 किलोमीटर सिंगल टेक में होने वाली है, छोटे मोटे हॉल्ट्स के साथ में।
तो यहाँ से चंडीगढ़ रह जाता है सिर्फ 60 किलोमीटर्स। रात के बजने हैं 10:30, पाजी के अलग होने का टाइम आ चुका है। ये जा रहे हैं कालका वाले रूट पर और हम जा रहे हैं चंडीगढ़ से दिल्ली वाले रूट पर, तो कोशिश करेंगे पाजी से जल्दी मिलने की। तो भाई कैसा, जल्दी मिलेंगे? बहुत मज़ा आया भाई, ये जितने लाइट कर देते। हाँ बहुत मज़ा आया, देखो कैसे मिट्टी हो रखे हैं सब। आज का दिन सबसे एडवेंचरस और सबसे लंबा ड्राइव आज का ही था। हम चला चुके हैं अभी तक 410 किलोमीटर, सेपरेट होने से पहले आज सुबह से नाको से यहाँ तक आ चुके हैं, परवानू तक, और अभी हमें और जाना है, हमें 300 किलोमीटर और भाई को जाना है अभी 150-200 किलोमीटर। तो अब देखते हैं कौन पहले पहुँचता है, वैसे भाई पहले पहुँचेंगे, सेफली जाना, कोई रेस नहीं है, सेफली सबसे पहले है यार। तो ये अब हमारी होने वाली है लास्ट टाइम की, हम अपने घर पहुँच के कंटिन्यू करते हैं। देख तेरा गुलाब है अभी नहीं, थोड़ा सा जो भी है जगदम्बा वैष्णो ढाबा इस पे लगा लेते हैं। हाँ हाँ भाई लोगों देखो, अब बात यह है हम पहुंचने वाले हैं अपने घर, 3:50 हो चुके हैं सुबह के और किलोमीटर हो गए टोटल ट्रिप के किलोमीटर 1974। आज सुबह हमने स्टार्ट किया था 1313 किलोमीटर। अबे इतना सुबह फाइनली फ्रेंड्स सुबह 5:30 घर पहुंच गए थे हम लोग और टोटल ट्रिप हुई करीब 2021 किलोमीटर के अप्रॉक्स, और सबसे लॉन्गेस्ट हमने जो स्ट्रेच लिया कल नाको से सीधा दिल्ली 24 घंटे के अंदर हमने कवर किया, मैंने, नवयोत पाजी ने और जो हमारा तीसरा राइडर था। तो पूरी जर्नी सब लोग सेफ पहुँच गए, कोई किसी के साथ नहीं हुआ, बहुत ही अच्छा रहा है। आपकी हालत देख सकते हो चेहरे की, अब काफ़ी ड्राई हो गया है, तो अब ये सीरीज़ यहाँ ख़त्म होती है। इसके बाद एक अच्छा सा रिव्यू आएगा, प्रॉपर डिटेल्ड रिव्यू, कुछ लोगों के कमेंट्स भी आए, मैंने अभी जस्ट चेक किया कि राइड के बाद क्या मेरा फीडबैक है। तो अभी मैं एक तसल्ली से रिव्यू रिकॉर्ड करूँगा और पहले बाइक वॉश करानी है, बाइक बहुत गंदी हो चुकी है, वो सब कुछ रेडी करने के बाद और ये सीरीज़ अपलोड होने के बाद आपको इसका रिव्यू देखने को मिलेगा, कम्प्लीट रिव्यू। सो रिव्यू को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर ये अभी तक की सीरीज़ आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियोस को, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं जिन्हें ट्रैवलिंग पसंद है। काफ़ी कुछ एक्सप्लोर किया इस बार हमने, बहुत कुछ एडवेंचरस रहा, काफ़ी कुछ अनप्लान रहा, और इसी के साथ आज का ब्लॉग यहाँ एंड करते हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ जो रिव्यू ब्लॉग्स हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग जीएस एक्सट्रीम।